आप साहब ने बेशर्मी की सभी हदों को पार कर दिया है, घमंड की सभी हदों को पार कर दिया है। अब तो मान जाओ ये किसानों की जो ये लड़ाई है ये जायज है, और आप जल्द से जल्द इन तीनों कानूनों को रद्द करें और किसानों को इंसाफ दिलाने का काम। सर आपको क्या लगता है कि तीनों काले कानून वापस ले पाएंगे? जरूर, किसान ये भाजपा सरकार को ये उम्मीद थी कि किसान थक जाएंगे, तीन चार दिन का आंदोलन रहेगा, लेकिन पिछले दो महीनों से बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही अनुशासन के साथ जिस प्रकार से किसानों ने, पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, मैं समझता हूं कि भाजपा सरकार मजबूर होगी और घुटना अपने घुटने जरूर टेकेगी। थैंक यू सर। एक कल की परेड को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि 1952 के बाद में पहली बार ट्रैक्टर परेड में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूं, मैं समझता हूं कि ये परेड ऐतिहासिक है पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान ही बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा, सबसे लंबा आंदोलन कराया जाएगा, और मैं गर्व महसूस करता हूं कि मुझे भी इस आंदोलन में शामिल होने का मौका मिला। चौधरी भजनार परिवार ने हमेशा किसानों की बात की और आगे भी हम किसानों के खड़े हैं।